हरे कृष्णा, कार्तिक मास की जय, दामोदर मास की जय। अब मैं आपको बता, आज मैं आपको एक कृष्ण की नई लीला बताने जा रहा हूँ, जो कि कार्तिक के दिन हुई थी। एक बार माता यशोदा को बहुत सारी गोपियाँ कहने लगी कि कृष्णा हमारे घर से माखन ले जाता है। कोई कहती कि तुम क्या अपने बेटे को खाना नहीं देती कि तो जो हमारे घर से आकर मक्खन ले जाता है। तो ऐसे मैया बहुत परेशान हो गई। एक दिन दिवाली का दिन था, तो मैया ने सोचा कि मेरे पास नौ लाख गाय है, तो उनमें से मैं कुछ 8 स्पेशल गाय ले लेती हूँ। तो उन्होंने कुछ स्पेशल 8 गाय ले ली और उनका मक्खन बनाने लगी। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं इनका मक्खन बनाऊंगी तो कृष्ण किसी के भी घर मक्खन खाने नहीं जाएगा। वह बनाने लगी। तभी कृष्ण आए और बोले कि हमें मक्खन चाहिए, बोली दूध चाहिए। तो वह कहने लगे, अरे मैं दूध नहीं बनाती, मैं मक्खन बनाती हूँ। वह बोले हमें दूध चाहिए। तो वह अपना दूध पिलाने लगी। तभी वो दूध उबलने लगा और यशोदा मैया गई और दूध को संभाल ले। तब कृष्णा नाराज हो गए कि मेरे से अच्छा क्या वो दूध है जो मेरे को छोड़कर चले गए। तो उन्होंने पास में पत्थर पड़ा था, उन्होंने पत्थर उठाकर मटकी की तरफ फेंक दिया, तो मटकी पूरी टूट फूट हो गई और सारा दही माखन और दूध फैल गया। तो वह डर गए कि मैया यशोदा डांटेगी, तो वह भाग गए। तब जब मैया यशोदा आकर देखी, तब देखा उन्होंने ये दही माखन किसने बिखराए। तब उन्होंने सोचा कि खाना का काम है, फिर उन्होंने एक रूम में मिला कि वो कृष्णा सब पंडालों को माखन खिला रहे। तो वो मैया यशोदा मन में बोली कि एक तो मटकी तोड़ दी और एक तो बंदरों को और खिला रहे, अब बताती हूँ। तब जब भी वो यशोदा मैया ने लाठी उठाई तो बंदरों ने देख लिया और भाग गए। तब कृष्णा बोले कि अरे मैंने कुछ तो करा नहीं, इनको डराया बराटा है रे, ये क्यों भागे। तब उन्होंने बीते कहा रहे मैया आ रही है, फिर वे भागे और फिर मैया ने उसे पकड़ लिया। तो कृष्णा डरने लगे कि मैया डंडे से मारेगी। तो मैया ने डंडे को फेंक दिया, पर उन्होंने कहा कि सजा तेरे को देनी पड़ेगी। तो उन्होंने उसे एक साइड में ओकल पड़ा था उससे बांध दिया, पर वो छोटी रह गई। एक और बार बांधा, एक और रस्सी दोनों को जोड़कर बांधा, पर भी छोटी रह गई। फिर उन्होंने सारी गौशाला की रस्सी बांधी, पर भी छोटी रह गई। तो उन्होंने कहा कि अपना पेट फुलाला बंद कर। तब कृष्ण को दया आ गई मैया के ऊपर और उन्होंने अपने आप को होठ बांध लिया। और फिर मैया ने कहा, आप तो यहीं रहे, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तो उन्होंने सोचा, फिर बलराम जी आए, बोले अरे मैया यशोदा आपने इनको क्यों बांधा, ये भगवान है। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा सारे भगवान मेरे घर में क्यों आएंगे, अभी बताती हूँ सारे भगवानों को। तब तो बलराम जी भाग गए और फिर कृष्णा ने सोचा, ऐसा अकेले खड़े खड़े क्या करूँगा। तो उन्होंने सोचा कि वो जो पेड़ थे उनमें से निकल जाता हूँ, फिर रस्सी टूट जाएगी। पर मैया ने जो रस्सी बांधी थी वो बहुत कड़क थी, तो वह जाने लगे उधर। फिर वो तभी उनके बीच में वो रस्सी फंस गई, ओखल बीच में फंस गया और वह जाने और दम लगाने लगे। फिर दोनों पेड़ नीचे गिरे, उनमें से दो देवता निकले जिनका नाम था नल कुबेर और मणिगिरी। फिर उन्होंने थोड़ी सी कृष्ण से बातें करी और आकाश में उड़ गए। तो इसलिए हमें मंदिर में जाकर, जब भी कार्तिक मास चल रहा हो, हमें हर बार जाकर दामोदर लीला का एक दिया चढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा।